क्योंकि कल ही के अखबारों में आया कि मेरा त्यागपत्र उनको नहीं मिला है। मैंने उनको ही बताया कि मैंने 17/11 को ही फैक्स से भेज दिया था, जिस नंबर पर भेजा वो राजभवन का नंबर है और यहाँ से रिसीविंग ओके हुई है। उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि मैं देख पाऊँगी ऐसा कैसे हुआ। खैर, मैं राजभवन को कंटेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जब आ गया तो मैंने उचित समझा कि मैं आज जाकर उनको अपना त्यागपत्र की कॉपी दे दूँ। मुझे तो जिस दिन से मैंने नॉमिनेशन किया उस दिन से मुझे एक कयास था कि आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री जी मुझको बर्खास्त कर देंगे, क्योंकि उनको शक्ति है कैबिनेट से किसी को भी बर्खास्त कर सकते हैं। उन्होंने किया नहीं और चुनाव में पूरे समय हम रहे। बीच में उसके बाद एक दिन खबर आई कि पार्टी से मुझे निकाल दिया गया है। तो मैं तो जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़, ये मानकर ही किया कि अब मैं इस पार्टी में नहीं हूँ, मुझे इस पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे 3-4 दिन पहले अखबार में आया कि मुझे भी निष्कासित कर दिया कई लोगों के साथ। अब ये सारे जो लोग हैं बड़े पदों पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, उनको इतना ध्यान नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य था या हूँ, जो भी कहिए। तो राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य को निकालने का अधिकार राज्य के नेतृत्व को, राज्य के अधिकारियों को है कि नहीं है, ये शायद नहीं पता। अपना संविधान पढ़ लें कि राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य के बारे ये शिकायत कर सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं। वो तो अमित शाह के लेवल से निर्णय होगा, इन्होंने अपने निर्णय ले लिया। तो जिस तरह से पार्टी चल रही है, जिस तरह से सरकार चल रही थी, ये उसी पर एक सवालिया निशान है। ये लोग कितना गंभीर हैं। इसीलिए मैं उससे, कई लोगों ने पूछा, मैंने दोबारा कहा कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ, हालांकि मैंने कहा था कि जनता मेरा चुनाव लड़ रही है और जनता की तरफ से हर कोने से आ रहा है कि जनता जीत रही है, फिर भी नतीजा तो 23 को ही आएगा। तो जीतने के बाद भी मैं ट्रूली सही मामले में निर्दलीय की तरह रहूँगा, इंडिपेंडेंट के तौर पर रहूँगा, काम करूँगा। और मैं एकाध जगह, हेमंत सोरेन जी ने हमारा समर्थन किया था, खुलकर समर्थन किया था कांग्रेस के, उनके प्रत्याशी भी थे, उनका गठबंधन है, तब भी उन्होंने हमारा समर्थन किया। इसलिए मैं भी दुमका उनके लिए जाऊंगा। 16 और 17 तारीख को 2 दिन मैं संथाल पर ना रहूँगा। नहीं, यहाँ कहेंगे वो, बरहेट हमारे जाने का कोई बहुत फ़ायदा तो उनको है नहीं, तो जैसा होगा प्रेस के माध्यम से वहाँ जाकर मिलजुल कर। जरमुंडी भी सीताराम पाठक ने हमको कहा है जरमुंडी आने के लिए, तो जरमुंडी जाएंगे, जरमुंडी और, तो दो जगहों पर जाकर 2 दिन तक मैं सक्रिय रहूँगा।